पूजा पूर्वरु केन्द्र कर्मचारी सरकार बड़ भेटी कर्मचारी 4% महंगा भत्ता अनुमोदन कले केन्द्र सरकार कैबिनेट्रे केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगा भत्ता वृद्धि पर अनुमोदन करपत्ति केन्द्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 42% वृद्धि पाए 46% होष्पत्ति द्वारा 1 कोटी अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उपकृत हे 48 लक्ष अधिक केन्द्रीय कर्मचारी बेले 65 लक्ष पेंशनभोगी रही जुलाई 1 कार्यकारी कर 2023 मार्च 24 तारीख में शेष थरपाई महंगा भत्ता वृद्धि पाई से हीपरी ग्रुप बी एवं ग्रुप सी वर्गर कर्मचारी दीपावली बोनस घोषणा होई ग्रुप बी एवं ग्रुप सी वर्गर कर्मचारी पाखापाखि 30 दिन वेतन सहित समान टंका पाइबे अणगेजेटेड कर्मचारी केन्द्र सरकार ग्रुप बी एवं ग्रुप सी अधीन जो मानक कौन बोनस स्कीम अधीन से बोनस मिलिबो बोनस ही केन्द्र सरकारी कर्मचारी को दिजिव जो मैंने मार्च 31, 2023 पर्यंत सेवा करी आसुछंति 2022-23 वर्ष मध्य अति कम्रे 6 मास काम करिछंति सहित रेलवे कर्मचारी बोनस मोहर बाजी रेलवे अणगेजेटेड कर्मचारी 78 दिन दरमा समान बोनस दिजिव एथिरे लोको पायलट सुरक्षाकर्मी स्टेशन मास्टर सुपरवाइजर टेक्नीशियन भली कर्मचारी माने उपकृत हेबे एहा सहित ग्रुप सी स्टाफ मध्ये एथिरे उपकृत हेबे केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का दे डेयरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का दे डेयरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा वो 12,857 करोड़ रुपये इसके ऊपर वित्तीय भार 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।